रहीम, टेंथ साइंस 2024 की पेयरिंग स्कीम आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 से लेकर 13 तक है और इसमें 1 2 3 में से 2 एमसीक्यूज और 3 3 शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर 4 से 1 एमसीक्यू 2 शॉर्ट और चैप्टर नंबर 5 से 2 एमसीक्यू और 4 शॉर्ट, से 6 में से 1 एमसीक्यू 3 शॉर्ट, 7 में 1 एमसीक्यू 4 शॉर्ट, 8 में से या तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है वो भी डेफिनेशन के तौर पे, 9वें में सिर्फ एक डेफिनेशन आने के चांसेस हैं, 10वें में सिर्फ एक डेफिनेशन आने के चांसेस हैं, 11वें में से भी समटाइम एक डेफिनेशन आ जाती है, 12वें की कंफर्म एक डेफिनेशन और 13 में से दो डेफिनेशन। और अगर लॉन्ग की बात की जाए तो पहले पहले दो चैप्टर से आपका पहला लॉन्ग और दूसरे थ्री और फोर से दूसरा लॉन्ग हो जाता है, और अगर तीस और 5 और 6 से तीसरा लॉन्ग, 7 और 13 से बनता है आपका चौथा लॉन्ग। एक आपने थ्योरम करना होता है वो चैप्टर 9 के कर लें या चैप्टर नंबर 12 के कर लें। हाँ, इसमें मैं आपको सलाह दे देता हूँ कि हमारी जो लॉन्ग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो आप जाए 10th में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे या 10th गेस्ट पेपर के नाम पे प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप देख लें, इंशाल्लाह वही क्वेश्चन आपको आएंगे।